हम अपने कई वीडियोस में आपको ये बात कह चुके हैं और आज भी कहेंगे कि जब भोजपुरी में कोई नहीं चलता, यानी कि कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो पवन सिंह के ऊपर कुछ कह दीजिए, विवाद हो जाएगा। और इस बार भी खेसारी लाल यादव के खेमे से पूरी तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दस बोलबम गीत जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं और बुरी तरह से पिट रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पावर स्टार पवन सिंह का एक ही गाना खेसारी लाल यादव के सभी गानों पर भारी पड़ गया। जहां पर पावर स्टार पवन सिंह के कई फैंस नाराज हो रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह क्यों कोई भी गाना लेकर नहीं आ रहे हैं सावन का, और उन्हें और भी गाने लेकर आने चाहिए, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने एक गाना लेकर आए और वो गाना अभी तक ट्रेंडिंग में बना हुआ है। लेकिन जैसे ही पावर स्टार पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग में आया, खेसारी के सारे गाने ट्रेंडिंग से निकल चुके हैं। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के गानों ने ऐसा कहर बरपाया है कि अब तक 20 से भी ज़्यादा गाना रिलीज़ कर चुके खेसारी लाल यादव के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। जी हाँ, कोका कोला वाले सॉन्ग को जो कि बोलबम के तर्ज पर गाया गया है, उस गाने को जो कि गणनायक म्यूज़िक से रिलीज़ किया गया, उसे छोड़ दीजिए, जो कि 3 हफ्ते पहले रिलीज़ हुआ है, 25 मिलियन व्यूज़ के आगे चल रहा है, अगर आप उसे छोड़ दें तो खेसारी लाल यादव के सारे गाने इस बार बोलबम के फ्लॉप हो चुके हैं और पवन सिंह का एक ही गाना उन पे भारी पड़ चुका है, वो भी देवघर वाला। अभी पवन सिंह का दूसरा सॉन्ग आना बाकी है और अभी से विवाद शुरू हो चुका है। खेसारी लाल यादव के खेमे के सुपरस्टार राइटर अखिलेश कश्यप ने ये कह दिया है कि पवन सिंह का जो गाना आया है वो दर्शकों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। तो भाई, इस गाने ने 4 दिन में लगभग वो 9 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है, 8 नंबर की ट्रेंडिंग में बना हुआ है अभी भी। और किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये गाना दर्शकों की उम्मीदों पर खरा नहीं हुआ है, और तो और इस गाने को 3 लाख से भी ज़्यादा लाइक भी आ चुके हैं। अब आप ये रणनीति समझिए, यहाँ पर अखिलेश कश्यप इतनी बड़ी बात कहेंगे, वहाँ पर दूसरी तरफ पवन सिंह के फैंस भड़केंगे, विवाद होगा और फिर किसके गाने को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, नो डाउट खेसारी लाल यादव के, क्योंकि ये सभी जान रहे हैं कि इन दिनों खेसारी के गाने 1 दिन में 1 लाख का व्यूज़ भी हासिल नहीं कर पा रहे, अगर वो 1 दिन में रिलीज़ हो रहे हैं तो बहुत बुरी स्थिति है इन दिनों खेसारी लाल यादव की, क्योंकि ये बैक टू बैक जिस तरह से गाने रिलीज़ हो रहे हैं, रोज़ दो तीन, तो इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। गाना एक ही रिलीज़ हो, दो ही रिलीज़ हो, लेकिन दर्शकों की जुबान पर हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप हमारे इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।